एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इसके भयावह होने के संकेत मिलने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बढ़ते केस को देखते हुए सरकार प्रतिबंधों का ऐलान कर सकती है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1323 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो इस दौरान दिल्ली में संक्रमण दर 6.69% रही। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों की संख्या 1300 से अधिक दर्ज की गई, जबकि लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक नए मामले सामने आए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बार फिर एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है। सफर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई। इसके तहत दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने इस मसले पर निर्देश दिए, उसी आधार पर मुख्य सचिव ने सभी डीएम से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का साफ मानना है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है। ऐसे में कहना ठीक नहीं होगा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है, लेकिन हाँ, सतर्कता जरूर बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।